Yo me hace por el nivel. Casi. दोस्तों, ये अभी हम देख रहे हैं स्टार स्कूल का पीछे का इलाका है और यहाँ पे 50 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए मैंग्रोव झाड़ से, लेकिन ये बिल्कुल मैंग्रोव झाड़ के डिस्टेंस में नहीं है, एकदम बाजू में है, 50 फीट भी नहीं होगा। तो देखते हैं अभी ये टूटता है क्या नहीं। स्टार स्कूल का पीछे का इलाका है, पीछे ये मैंग्रोव झाड़ है, ये देखिए मैंग्रोव झाड़। तो ये भी जाएगा। कौन सा? वो कैसे जाएगा? 50 फीट नहीं रहेगा, ये पूरा जाता है। दोस्तों, ये है मैंग्रोव का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिस्टेंस कितना है स्टार स्कूल का पीछे का हिस्सा और मैंग्रोव झाड़ का डिस्टेंस का हिस्सा। ये देखिए, ये हम पहुँचे मैंग्रोव झाड़ के पास। अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखिए मेरा पाँव, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ये 12 फीट का है। ये स्टार स्कूल है, ये स्टार स्कूल है और ये मैंग्रोव झाड़ है। यहाँ से एक मारुति 800 ही क्रॉस हो सकती है। मारुति 800 का आपको डिस्टेंस पता होगा कि कितना है, कितनी चौड़ी रहती है गाड़ी। ये देखिए, ये पूरी गली है स्टार स्कूल की, ये स्टार स्कूल का पीछे का इलाका, ये मैंग्रोव झाड़ है। अब देखते हैं इधर क्या होता है। और वैसे दोस्तों, अभी हम कोली गांव और शिरके बिल्डर के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग ये सर्वे करेंगे, ये मेजरमेंट माप के लाएंगे। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की उम्मीद है, शेयर कीजिए दोस्तों। यहाँ पर मैंग्रोव के लिए एक बोर्ड लगाया हुआ है, वो बोर्ड को भी स्टार स्कूल ने क्या किया, अपने बाउंड्री से बाहर निकाल के रख दिया। मैं अभी बोर्ड दिखा रहा हूँ आपको, ज़रा बोर्ड देखिए, बोर्ड दिख रहा नहीं अंदर। ये देखिए, ये बोर्ड है, इसमें जो लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको आपको उस तरफ से दिखा रहा हूँ। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ये देखिए बोर्ड दिख रहा है आपको, ये बोर्ड है, काफ़ी गंदा हो चुका है। ये देखिए कुछ दिख रहा है आपको, ये है वन विभाग का बोर्ड है, ये मैंग्रोव के लिए स्पेशली ये बोर्ड लगाया गया। ये अंदर था, इसको बाहर निकाला, ये अंदर था, ये बाउंड्री के बाहर निकाला गया। ये वो गली है दोस्तों, ये गली से, ये गली 10 फीट का है, लेकिन गवर्नमेंट कानून, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से ये 50 फीट का होना चाहिए, क्योंकि ये अभी झोपड़पट्टी जो झुग्गियाँ टूटी है वो इसी कारण टूटी है, क्योंकि ये 50 फीट का नहीं था, इस कारण टूटी है। अब ये देखिए, अगर ये भी आप, अगर ये जो देख रहे हैं अभी आप एट प्रेजेंट में जो तस्वीर देख रहे हैं, ये भी 50 फीट का नहीं है, ये 10-15 फीट का होगा, 15 फीट का होगा मैक्सिमम। यहाँ से एक लॉरी गुजर सकती है, नीचे देख के। दोस्तों, ये अभी हैं हम लोग शिरके बिल्डर, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का ये इसका प्रोजेक्ट है, ये पूरा जगह पकड़ के रखा है। ये देखो, ये मैंग्रोव का झाड़ है। अब इसका डिस्टेंस है ना, अगर आप देखा जाएंगे तो ये भी शायद से 10 से 12 फीट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी मैं एक बार आपको माप के दिखा देता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये 12 फीट का है। और ये देखिए, इससे नैरो भी है और भी कम स्पेस है, यहाँ पे मैंग्रोव चिटका हुआ है, ये पूरी खाड़ी है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब कैसा ये अलग कायदा, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए अलग कायदा है, इसके लिए अलग कायदा है। देखिए कितना नैरो स्ट्रीट है, यहाँ पे शायद एक आदमी को जाना भी प्रॉब्लम है। ये देखो, ये मैंग्रोव है, ये पतरा है,
शायद से एक स्कूटर जा सकती है, इसके आगे भी नैरो नैरो रास्ते हैं। तो ये कैसा क्या हिसाब से ये बांधा है, इसको कैसा परमिशन मिला है उसका पता नहीं है। ये है शिरके बिल्डर का प्रोजेक्ट, शिरके प्रोजेक्ट है ये। ये देखिए पूरी खाड़ी है, ये पूरी खाड़ी है। ये देखिए ये भी है, ये भी शायद से 15 फीट की जगह होगी, यहाँ से यहाँ ये 15 फीट की जगह है। ये है मैंग्रोव, यहाँ से मैं स्टार्ट होता हूँ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 फीट की जगह है अप्रॉक्सीमेटली, ये 15 फीट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जो एज पर गवर्नमेंट लॉ, अच्छा ये मैंग्रोव अंदर भी है, ये जो बाउंड्री दिख रहा है इसका, इसके अंदर भी मैंग्रोव है। ये देखिए अंदर से शायद से आपको दिखता होगा, अंदर भी कुछ मैंग्रोव वगैरह हैं। इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए ये खाड़ी है, ये देखिए ये पूरा मैंग्रोव है। अभी हम जा रहे हैं।